इनको मैथ्स पता नहीं किसने पढ़ाया है और इकोनॉमिक्स तो शायद पढ़ाई ही नहीं, लेकिन कुछ वो 6 अरब to 60 अरब to 600 अरब कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन आज पता चला कि वो जो 7 अरब थे वो कौन से अरब थे, शायद इनको सिर्फ उसी किस्म के अरब दिखाई देते हैं, यानी अरब बाशिंदे। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान की हुकूमतें हिंदुस्तान के पटल पर टांग दिए हैं कई सवाल। रेहम खान ने निकालने थे, प्रोड्यूस करने थे शरीफ खानदान से, वो शायद किसी की फोन लिस्ट में से, पीटीआई की फोन लिस्ट में से वो 7 अरब नाम निकल आए, लेकिन वो 7 अरब नहीं निकले। रेहम खान ने इमरान खान की ऐसी क्लास लगाई कि इमरान का सारा घमंड, रुतबा और पीएम होने की अकड़ एक बार में खत्म हो गई। रेहम का आरोप है कि इमरान ने देश के साथ बेवफाई की है, मतलब पहले बीवी से बेवफाई, अब देश से बेवफाई, देश की जनता से बेवफाई। बहुत जो बातें कर रहे थे, पता नहीं कितने, एक तो पीटीआई बेचारे, इनको मैथ्स पता नहीं किसने पढ़ाया है और इकोनॉमिक्स तो शायद पढ़ाई ही नहीं, लेकिन कुछ वो 6 अरब to 60 अरब to 600 अरब कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन आज पता चला कि वो जो 7 अरब थे वो कौन से अरब थे, शायद इनको सिर्फ उसी किस्म के अरब दिखाई देते हैं, यानी अरब बाशिंदे, क्योंकि वो 7 अरब जो निकालने थे, प्रोड्यूस करने थे शरीफ खानदान से, वो शायद किसी की फोन लिस्ट में से, पीटीआई की फोन लिस्ट में से वो 7 अरब नाम निकल आए, लेकिन वो 7 अरब नहीं निकले। रेहम खान ने इमरान को याद दिलाया कि सत्ता की लालच में इमरान ने कितने झूठे वायदे किए थे। रेहम ने बताया कि जब मुट्ठी में रेत के कण हो तो ज्यादा दार्शनिक नहीं होना चाहिए। इनको मैथ्स पता नहीं किसने पढ़ाया है और इकोनॉमिक्स तो शायद पढ़ाई ही नहीं, लेकिन कुछ वो 6 अरब to 60 अरब to 600 अरब कंफ्यूज होते रहते हैं। इन दिनों खराब आर्थिक हालात के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर चौतरफा हमला हो रहे हैं। अब इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने भी इनकी क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान ने देश के साथ बेवफाई की है और उन्हें अपने किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। इतना ही नहीं, रेहम ने नवाज शरीफ के परिवार का बचाव करते हुए भी इमरान को घेरा है। रेहम ने सोशल मीडिया पर करीब 4 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है जहां उन्होंने इमरान खान की जमकर आलोचना की। लेकिन आज पता चला कि वो जो 7 अरब थे वो कौन से अरब थे, शायद इनको सिर्फ उसी किस्म के अरब दिखाई देते हैं, यानी अरब बाशिंदे, क्योंकि वो 7 अरब जो निकालने थे, प्रोड्यूस करने थे शरीफ खानदान से, वो शायद किसी की फोन लिस्ट में से, पीटीआई की फोन लिस्ट में से वो 7 अरब नाम निकल आए, लेकिन वो 7 अरब नहीं निकले।